लोगों के साथ मुलाकात के वक्त आपका चेहरा खिला होना चाहिए चेहरे पर ख़ूनत चेहरे पर रौनत चेहरे पर सरकशी के आसार तकबर और गुरूर के आसार ये किसी भी इंसान को जेबा नहीं देते तकबुर सिर्फ़ अल्लाह की शान है और उसके असमाय मुबारक में से एक इसमें मुबारक मतकबर है अल किबरिया और किबरियाई मेरी चादर है और जो मुझसे मेरी चादर छीनना चाहेगा मैं उसको जहन्नम की आग में डालूंगा इस कायनात में होने वाला पहला जुर्म तकबर है जब इबलीस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने कहा कि मैं तो सजदा नहीं करूंगा अबा वस वकाना मिनल नलका उसने इनकार किया बवजह तकबर और तकबर राय के दाने के बराबर भी अल्लाह को पसंद नहीं है और कयामत के दिन जब लोग शोर इसराफील से आगोश मौत में होंगे तो अल्लाह तला जल्ला शाहू लोगों से खिताब करेगा तो उसमें एक जुमला ये होगा एनलम तकबर तकबर करने वाले कहाँ हैं तो लोग आगोश मौत में होंगे तो कोई सर नहीं उठाएगा अल्लाह फरमाएगा एनलमुलूक बादशाह कहाँ हैं? क्योंकि ज्यादा तकबुर बादशाहों में हुक्मराना में होता है तो अल्लाह ताला फरमाएगा अनल मुतकबर मैं मुतकबर हूँ। ये मेरी शाह अनल मालिक मैं बादशाह हूँ। तो बादशाही उसी को ज़ेबा है तकबर उसी को ज़ेबा है तो नसीहत करते हुए फमाए वला तो शायर ख़द का लिन्दास लोगों के सामने अपनी गर्दन को अपने चेहरे को अपने रुखसार को टेढ़ा न करना इबन मंजूर अफ्रीकी ने लिसानुल लिसानुलरब में लिखा है कि ये सार से निकला है और ये ऊंट की एक बीमारी है जिसका बंदों को लकवा हो जाता है उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है तो ऊंट को एक बीमारी लगती है तो जब वो बीमारी उसको लग जाए तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती तो अरब के मुहावरे के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ है तो इशारा किया कि जिस तरह ऊँट की गर्दन टेढ़ी हो जाती है तो तकबर की वजह से तुम्हारा चेहरा भी टेढ़ा ना हो जाए ये तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगता इस पे खशूनत इसके ऊपर गुस्सा इस चेहरे के ऊपर जो है वो वाहशत अच्छी नहीं लगती इस चेहरे के ऊपर तबस्सुम और मुस्कुराहट अच्छा लगता है ये चेहरा हंसता हुआ गुलाब जैसा ही अच्छा लगता है तो अपने रुखसार को टेढ़ा ना करो अपने लहजों को खूबसूरत बनाओ आने वाले से खंदा पेशानी से मिलो और लोगों के साथ तुम्हारे रवैयों की खूबसूरती तुम्हारे चेहरों से दिखाई देा आलूसी कहते हैं कि बाज का बंदा किसी के सामने बिछ ही जाता है इजस आजजी सारी ये इंसानी वस्फ होने चाहिए लेकिन किसी के लिए इस तरह इंसान बस झुकता ही जाए झुकता ही जाए कि उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बाकी ना रहे और वो एहसास कमतरी में मुबतला हो जाए तो ये भी इंसान के लायक नहीं है तो रुखसार को टेड़ा करने का जो है वो मफहूम यह है कि आप इज्ज़ इख्तियार करें लेकिन उस उसज का यह मफहूम ना हो कि आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाए हु के सामने शहनशाहों के सामने बादशाहों के सामने कुछ लोगों के रवैये इस कदर होते हैं कि उनकी गलामा ना जहनीत उनके अमल से उनके रवैयों से और उनके अंदाज मुलाकात से टपकती है तो जब आप किसी से इज्स के साथ मुहबत के साथ पेश आते हैं तो वह अपनी जगह लेकिन उसके अंदर तजावज ऐसा ना हो कि आपका रुखसार टेढ़ा हो जाए मतलब क्या है कि आप हाथ से नीचे गिर जाएं और अपनी खुदी को भी बेच डालें तो इससे भी मना किया गया है तो इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखें तकबुर में भी मुबतला ना होने पाए और ऐसा से कम में और ऐसा इजस जो आपकी खुददारी को बहा के ले जाए उसमें भी मुबतला ना होने पाएं विकार के साथ अदब के साथ मुहबत के साथ लोगों के साथ पेश आए